शास्त्र कहता है ये शरीर में 3.5 करोड़ रोम छिद्र हैं और 3.5 करोड़ रोम छिद्र में से अगर एक रोम छिद्र के बराबर भी ये रोमावली जो हमारे शरीर में है 3.5 करोड़, इसमें से एक रोम के बराबर भी अगर हम परमात्मा की अविरल भक्ति को धारण कर ले, परमात्मा की अविरल भक्ति को हम प्राप्त कर ले, तो हमारा जन्म लेना सार्थक हो जाता है। बक्से खोलो, बक्से बाहर के भी खोलो। एक रोम के बराबर भी 3.5 करोड़ रोम छिद्र हैं, 3.5 करोड़ में से एक रोम के बराबर भी अगर हम भगवान की अविरल भक्ति को प्राप्त करें, केवल एक रोम के बराबर भी हम अगर भगवान की अविरल भक्ति को प्राप्त करते हैं, भगवान शिव की अविरल भक्ति को हम धारण करते हैं, तो ये पक्का है कि भगवान शिव की करुणा, भगवान शंकर की उदारता हम पर निश्चित है। फिर निवेदन करेंगे कि 24 घंटे भगवान का भजन नहीं कर सकते, मत करो। चौबीस घंटे भगवान का भजन नहीं कर सकते, मत करो। शिव पुराण कहते हैं, जरूरी नहीं कि आप 24 घंटे भगवान का भजन करेंगे तब भगवान प्रसन्न होंगे। पीछे के बक्से खुलवाओ, आवाज नहीं पहुंच रही पीछे लोग, चोंगे ना खोलते हुए बक्से खोलो। जरूरी नहीं कि 24 घंटे हम भगवान की भक्ति करें तब भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न हो। चौबीस घंटे में से अगर मात्र 5 मिनट भी, और लोग कहते हैं 5 मिनट, हम तो कहते हैं 1 मिनट, अगर आपने भगवान को याद किया 1 मिनट भी, अगर आप भगवान को स्मरण करें हैं 1 मिनट भी, अगर भगवान की अविरल भक्ति को धारण किया है मात्र 1 मिनट भी आप भगवान को याद किए हैं, तो भगवान देव अदिदेव महादेव 24 घंटे में से 1 मिनट भी अगर तुमने परमात्मा को याद किया है, तो ये मानकर चलना कि तुम्हारा 24 घंटा शुद्ध निकलेगा, अच्छा निकलेगा और परमात्मा की शरणागति में। दिक्कत वहां कहां होती है कि हम कहते हैं कि हम 24 घंटे भजन करते हैं, हम कहते हैं 8 घंटे भजन करते हैं, हम कहते हैं 10 घंटे भजन करते हैं, हम कहते हैं कि हमने 5 घंटा भजन करा, हमने 3 घंटा भजन करा, हमने 8 घंटा भजन करा। दिक्कत सबसे बड़ी खड़ी होती है कि आप कह रहे हो कि मैं 8 घंटे भजन करती हूँ, 3 घंटे करती हूँ, 4 घंटे करती हूँ, पर सही मायने में देखा जाए तो वो भजन नहीं है। घंटों तक माला पकड़कर अगर बैठ भी गए और तुम्हारी चित्त वृत्ति में परमात्मा नहीं है, तो वो माला पकड़ना किस काम का। हमने पहले एक बात कही थी, आपके स्मरण में होगी, हरियाणा की सभी दीदियों ने और मेरे जीजाओं ने सुना होगा, जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, बेटे बैठे हैं, मेरी माताएं बैठी हैं, इन्होंने सुना होगा। हमने कहा था कि पहले की शादी में और आज की शादी में बहुत अंतर है, बहुत अंतर। पहले जो शादी होती थी उसमें लड़की चाय की ट्रे लेकर आती थी, नीचे रखती थी, केवल लड़का लड़की को एक झलक देखता था, लड़की लड़के को एक झलक देखती थी और चाय की ट्रे रखी, ना बात करी ना चित्त करी, दोनों की निगाह मिली, उसने उसको देखा, उसने उसको देखा, चाय रखकर लड़की अंदर चली गई। बोलो सही है? अरे बोलो तो जम के, सही है ना? केवल लड़की चाय की ट्रे लेकर निकली और उसने वो चाय की ट्रे वहां पर रख दी, उसको सुनवाओ, चाय की ट्रे उसको वहां रख दी, ना लड़की ने लड़के को बात करी ना लड़के ने लड़की से बात, केवल चाय की ट्रे रखी, निगाह मिली और चल चल, निगाह मिल के और चल चल।
अब एक वो जमाना था जहां चाय की ट्रे रखी जाती थी, निगाह मिल जाती थी और निगाह मिलकर लड़की लड़के को देख ली, लड़का लड़की को देख लिया और वहां से वो संबंध पक्का हुआ, संबंध पक्का। एक आज की शादी, एक आज का विवाह, लड़का लड़की को दिखाया गया, 2 घंटे तक उनको होटल में मिलाया गया, बातचीत कराई गई, संबंध पक्का हो गया। रात को 10 बजे से लेकर रात्रि के 3 बजे तक बात चलती रही। बोलो सही है कि गलत है? फिर शादी की तारीख आ गई, शादी पक्की हो गई। पक्की होने के बाद शादी के केवल 1.5 साल निकले थे और 1.5 साल बाद शादी के मालूम पड़े अदालत में केस पहुंच गया और तलाक की बात चल गई। अदालत में केस गया, तलाक की बात चल गई। अब जरा विचार करिए, पहले का संबंध में ना लड़के ने लड़की को देखा है, ना लड़की ने लड़के को देखा है, केवल निगाह मिली, एक क्षण में लड़की लड़का पसंद हो गया, बातचीत कुछ हुई नहीं और संबंध पक्का हो गया। जो 7 जन्म तक संबंध निभा, पूरी जिंदगी अच्छे से निकली और एक देखभाल कर करा था, 2 घंटे होटल में मिलवाया था, रोज लड़का लड़की गाड़ी पे घूमने भी गए, साथ में कपड़े खरीदने भी गए, ज्वेलरी खरीदने भी गए, उसके बाद फोन पे लगे रहे पूरी 6 महीना 4 महीना, इतनी बात करी, उसके बाद भी लड़का लड़की का तलाक हो गया। तो इससे तो पहले का जो संबंध था, एक क्षण निगाह मिलती थी और लड़का लड़की का हो जाता था, लड़की लड़के की हो जाती थी, वही की वही। शिव पुराण कहती है तुम 24 घंटे बात कर रहे हो, 24 घंटे बैठे हो, 24 घंटे भजन कर रहे हो, भगवान नहीं सुन रहा। पर पुरानी बात याद रखना कि एक क्षण दिल से बस लोटा लेके शिव के मंदिर में गए, जल चढ़ाया, शंकर तुम्हारा, तुम शंकर के होकर अपना काम। वो एक क्षण का देखना, एक क्षण का सुनना, एक क्षण का स्मरण आपको सुख प्रदान कर रहा, केवल एक क्षण। वो एक लाइन आप लोग स्मरण करते हैं, ना जी भर के ना कोई बात भी बड़ी आरज़ू थी मुलाकात देखा है, ना हमारे स्मरण में आया, ना हमने देखा, ना हमने आपको देखा और संबंध पक्का हो गया, वो निप गए बहुत। और इतना निभा कि एक जन्म की बात नहीं, कई जन्मों जन्मों की बात चल चल गई, कई चल गई, ऐसा निभा। शिव कथा, भगवान शंकर का संवाद, भगवान शंकर की कथा, भगवान शंकर का स्मरण हमको ये बता रहा, शिव महापुराण हमको ये कह रहा, भगवान शंकर का संवाद हमको ये कह रहा, शिव तत्व हमको ये बता रहा। शंकर के मंदिर में बहुत घंटों तक बैठने की जरूरत ही नहीं है आपको। मेरी सिरसा की जीजियों, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जितने मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं, जितने इस सिरसा हरियाणा की पवित्र भूमि पर कथा सुन रहे हैं, आप अपनी चित्तवृत्ति में एक बात उतार कर रख लो, बहुत देर तक शंकर के मंदिर में बैठने की जरूरत है ही नहीं। बहुत देर तक माला पकड़कर बैठने की जरूरत शंकर के मंदिर में आपको नहीं है। आप तो केवल भगवान शंकर के मंदिर में जाइए, एक लोटा जल चढ़ाइए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जम के बोलो जरा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक लोटा जल चढ़ाया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, तुमने दिल से बाबा से प्रार्थना कर ली, बाबा से कह दिया, नंदीश्वर के कानों में अपने वचन को कह दिया और वहां से आप चल गए, वहां से आप निकल गए, वहां से आप चल गए। बस बहुत है, लोग कहते हैं हमारे पास में ज्यादा समय नहीं रहता गुरु। हमने एक बार किसी से पूछा कि आज तुम मंदिर नहीं गए लोटा भर के जल चढ़ाने के लिए? किसी ने कहा गुरुजी बहुत ठंड पड़ रही है। बोलो बोलो जम के बोलो जरा, रोटी बनाओगे ठंड में? अरे जम के तो बोलो, बनाओगे? तो जब इतनी तेज ठंड पड़ रही है तुम मंदिर नहीं जा सकते, तो इतनी तेज ठंड में खा कैसे सकते?
जरा विचार तो करिए, बहुत तेज ठंड पड़ रही है गुरुजी, हम मंदिर नहीं जा सकते, बहुत तेज पानी गिर रहा है गुरुजी, हम मंदिर नहीं जा सकते। पर शंकर की भक्ति किसको कहते हैं गोपाल जी? अभी कथा थी इससे पहले प्रयागराज, तीन दिन की थी कि दो दिन की थी, ऐसा कुछ था, दो दिन की थी, दो दिन की प्रयागराज में कथा थी गोपाल जी। अब प्रयागराज का मेला, पंडाल में इतनी जगह नहीं थी, तो कथा हो रही थी गंगा जी के घाट पर, और पानी कहे कि हम गिरे, जलवृष्टि बहुत हो, इतनी जलवृष्टि, इतनी जलवृष्टि, बिजली, बादल, पानी, कोहरा, ठंड सब पड़ रहा। अब खुले आसमान में कथा हो रही है, पंडाल कुछ भी नहीं था, नीचे बेचने के लिए, बिठाने के लिए मैटिंग भी पूरी गीली हो चुकी थी, उस पर व्यवस्था। आप लोगों ने कथा में देखा था, फिर लोगों ने क्या करा, अपने अपने छाते, अपनी अपनी पन्नी लगाकर, बिछाकर, बैठकर पानी बरसता रहा और लोग कथा सुनते रहे, जलवृष्टि होती रही और लोग कथा का स्मरण करते, पानी गिरता रहा और लोग कथा का रस ग्रहण करते। बहुत तेज पानी गिर रहा है गुरुजी, हम मंदिर नहीं जा सकते, बहुत तेज ठंड पड़ रही है गुरुजी, हम मंदिर नहीं जा सकते, बहुत तेज गर्मी पड़ रही है गुरुजी, हम मंदिर नहीं जा सकते, बहुत तेज ठंड पड़ रही है, हम ऑफिस जाते हैं, बोलो जम के बोलो, बहुत तेज बारिश होती है, हम दुकान पर जाते हैं, बहुत तेज गर्मी पड़ती है तो भी हम ऑफिस जा रहे हैं, दुकान पर जा रहे हैं, अपना पूरा काम कर रहे हैं, तो फिर बहुत तेज ठंड, बारिश और गर्मी में हम शंकर के पास क्यों नहीं जा सकते, उसके करीब में भी हमें जाना, हम भगवान के नजदीक में क्यों नहीं जा सकते, हम भगवान के पास क्यों नहीं जा सकते, हम भगवान देवाधिदेव महादेव के करीब में क्यों नहीं जा सकते। हमने बहाना बनाया, बहाना हम बना रहे हैं, बहाना हम स्वयं बना रहे हैं, और बहाना हम ऐसा बहाना बना रहे हैं, हम ऐसा बहाना बना रहे हैं कि पानी गिर गया, गर्मी पड़ गई, ठंड पड़ गई, बारिश पड़ गई, हमने हमने बहाना बनाया। अब जरा विचार करना कि आपने बहाना बनाया कि ठंड पड़ गई, बारिश गिर गई, गर्मी पड़ गई, तुम्हारी दुख की घड़ी हो, तुम्हारी तकलीफ की घड़ी हो, तुम्हारे दुख का समय हो। अब दुख का जो समय होता है वो ये थोड़ी ना देखता कि ठंड पड़ रही है कि गर्मी पड़ रही है कि बारिश पड़ रही है, जब तुम्हारा यह अपना दुख का समय आता है, मेरा महादेव भी ये नहीं देखता कि गर्मी है कि ठंड है कि बारिश है, वो भी दौड़कर आ जाता, वो भी दौड़कर। परमात्मा यदि तुम्हारे पास में दौड़कर आ रहा है तो आपको भी परमात्मा तक दौड़कर जाना। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा। तेरी चौखट पर मैं आ ही गया, मुझे दर्श दिखाना तेरा काम है, तेरे दरवाजे तक मैं पहुंच गया। अब किसी ने एक प्रश्न किया, गुरुजी शंकर भगवान हमको दिखते क्यों नहीं, मेरा देवाधिदेव महादेव, मेरा शंकर, मेरा ओघड़ ज्ञानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शिव, मुझे दिखता क्यों नहीं? सीरा बनाना आता है, हलवा सबको आता है, क्या क्या सामान डलता है, जम के बोलो जरा, सूजी मतलब आटा, रवा, सूजी, घी, शक्कर, इलायची, ड्राई फ्रूट, सब हो गया ना, ठीक है। अब हलवा बना, सीरा बना, हलवा बनने पर, सीरा बनने पर उसमें आपको घी नजर आ रहा है, हलवे में घी दिखता है ना, हाथ लगाकर देखना, घी नजर आ रहा है, हलवे में ड्राई फ्रूट्स नजर आते हैं, काजू डाला दिख रहा है, बादाम डाला दिख रहा है, खोपरा डाला दिख रहा है, हलवे में इलायची के दाने भी नजर आते हैं, हलवे में रवा भी नजर आता है, हलवे में आटा भी नजर आता है, केवल हलवे में एक चीज नजर नहीं आती, वो केवल शक्कर है, बोलो दिखती है क्या? हलवे में शक्कर नजर आती है, हलवे में चीनी नजर आती है, हलवे में केवल एक चीज नजर नहीं आती, वो केवल शक्कर है, चीनी है, गुड़ है, जो उस हलवे के अंदर, उस सीरे के अंदर नजर नहीं आता,
इलायची दिख रही है, ड्राई फ्रूट्स दिख रहा है, रवा दिख रहा है, आटा दिख रहा है, उसमें आपको घी नजर आ रहा है, सब कुछ दिखेगा, पर उसमें मिठास जो डली है, उसमें जो शक्कर डली है, उसमें जो गुड़ डला है, उसमें जो डाला गया है मिठास, वो उसमें नजर नहीं आता, वो दिखता नहीं है, पर उस हलवे में वो होता है। अगर वो नहीं होगा तो हलवा अच्छा लगेगा? इलायची डाल दो, ड्राई फ्रूट्स डाल दो, घी डाल दो, पर हलवे में शक्कर नहीं डालोगे तो अच्छी लगेगी क्या? नहीं, हलवे में शक्कर होती है पर दिखती नहीं है। हलवे में अगर शक्कर नहीं होगी तो हलवा अच्छा नहीं लगेगा, सीरा अच्छा नहीं लगेगा। उसी तरह लोग कहते हैं हमें भगवान दिखता नहीं है, हम कहते हैं जैसे हलवे में शक्कर नजर नहीं आती पर शक्कर हलवे में है, उसी तरह भोलेनाथ नजर नहीं आता पर भोलेनाथ है, भोलेनाथ है पर भोलेनाथ नजर भले नहीं आएगा। पर इतना स्मरण में जरूर रखिएगा, अपनी चित्त वृत्ति में इतना उतार कर रखना, अपनी चित्त वृत्ति में इतना जरूर रखना कि भले मेरा देव अधिदेव महादेव तुमको दिखेगा नहीं, पर तुम्हारी जिंदगी को मीठा, तुम्हारी जिंदगी को खुशमय, तुम्हारी जिंदगी को सौभाग्यशाली, तुम्हारी जिंदगी को आनंदमय केवल एक बना सकता है, वो मेरा देव अधिदेव महा, वो खुशमय बनाएगा, वो सुखमय बनाएगा, वो आनंदमय बनाएगा। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी बाबा, तुम मुखड़ाना मोरे मेरी लगी बड़ी तीनों, बाबा तुए बेना तोरे, मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तुम मुखड़ाना मोरे। आप उससे प्रार्थना करेंगे, आप उससे विनय करेंगे, आप उससे निवेदन करेंगे तो वो क्यों नहीं सुनेगा? हमारी जिंदगी को जो आनंदता देने वाला है वो शिव ही है। तारकासुर असुर है, तारकासुर राक्षस है, तारकासुर असुर राक्षस है, आप जरा विचार करिएगा, एक असुर एक राक्षस, तारकासुर असुर है राक्षस है, असुर प्रवृत्ति का है, राक्षस प्रवृत्ति है, असुर है, पर उसकी विचार, उसकी दृष्टि, उसकी सोच कितनी सुंदर लग। उस तारकासुर ने अपनी मृत्यु को ब्रह्मा जी से मांगा, तो मृत्यु को मांगने के समय पर ब्रह्मा जी ने कहा मांगो तुम्हें क्या चाहिए, तो उसने कहा मैं मरू ना ऐसा मुझे वरदान दे, मेरे प्राण ना छूटे ऐसा मुझे वर दीजिए, कभी मेरी मौत ना आए मुझे सबर प्रदान कर दो। जो विचार कर कर बैठे हैं कि हम कभी मरेंगे नहीं, वो ये विचार छोड़ दो। एक करोड़ रुपए साल का, महीने का टर्नओवर है तुम्हारा, 1,00,000 रुपए है, 2,00,000 रुपए है, 10,00,000 रुपए है, जितना भी तुम्हारा टर्नओवर है तुम उस टर्नओवर को करते रहो, मना नहीं है, पर एक बात शिव महापुराण की अपनी जिंदगी में उतार कर रखना, 10,00,000 रुपए महीना कमा लो, 2,00,000 रुपए महीना कमा लो, 5,00,000 रुपए महीना कमा लो, 40,000 रुपए महीना कमा लो, 50,000 रुपए महीना कमा लो, चाहे 25 करोड़ रुपए महीना कमा लो, पर इतना जरूर याद रखना कि वो कमाए हुए धन को केवल तिजोरी में भरकर मत रखना, क्योंकि कमाते 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 एक समय ऐसा आ जाता है कि हमारी अवस्था कुछ कम हो जाती है, हमारी उम्र कुछ कम हो जाती है, कमाने के साथ में एक बात अपनी चित्त वृत्ति में उतार कर रखो, करोड़ों का धन कमा और मेरा भोलेनाथ तो तुमको ढेरों में दे संपदा, मना नहीं है, खूब करोड़ों में कमा, कुबेर भंडारी तुम्हारे खूब भंडार भर के रखे, तारा बाबा तुम्हें खूब देता रहे, तारकेश्वर महादेव तुम्हारे भंडार भर कर रखे, खूब कमा, पर इतना नियम अपनी जिंदगी में बना लो, जो कमाया है उस कमाई में हम अपने ऊपर कितना खर्च कर रहे हैं, हम अपनी जिंदगी को कितना खुशनुमा जीना जी रहे हैं,
कमाने के बाद भी हम डिप्रेशन में, कमाने के बाद भी हम टेंशन में, कमाने के बाद भी हमें कोई सुख नहीं। हमने पहले भी कथा में कहा था, बेटे चला रहे हैं कटे हुए सेव फल का मोबाइल। कौन सा मोबाइल? एप्पल का मोबाइल। बेटे चला रहे एप्पल का मोबाइल, बेटी चला रही एप्पल का मोबाइल, नाती पोते पंती सब चला रहे एप्पल का मोबाइल, और पिताजी वही छोटा सा मोबाइल लेकर बैठे हैं जिनको कोई फंक्शन भी नहीं आ रहा है। कमा कौन रहा है? पिता। अच्छी गाड़ी में सब घूम रहे हैं और पिता मेरी वो छोटी सी गाड़ी अच्छी है। सब एक से बढ़कर एक कपड़े पहन रहे हैं, फटी हुई जींस के कपड़े, नई नई डिजाइन के कपड़े सब पहन रहे हैं, और पिता वही अपनी अलमारी में जो पुराने कपड़े रखे हैं वही निकाल कर पहनता जा रहा है। तुम किसके लिए कमा रहे? आप अपने ऊपर खर्च नहीं कर सकते, तुम खुश होकर जी नहीं सकते, तुम प्रसन्नता में आनंद में मस्ती में नहीं रह सकते। जितने बड़े औहदे पर लोग पहुंचते चले जाते हैं, हमने पहले भी कथा में कहा उनकी तीन चीजें चली जाती है। तीन चार चीज बताइए शास्त्रों में कि बड़े बड़े औहदे पर पहुंचने के बाद कुछ तीन चार चीजें ऐसी हैं जो चली जाती है। एक, बड़े औहदे पर पहुंचने के बाद उसकी स्माइल चली जाती है, उसकी हंसी। बहुत बड़ा मिनिस्टर, बहुत बड़ा कलेक्टर, बहुत बड़ा कमिश्नर, बहुत बड़े औहदे पर बैठने वाला ऑफिसर हंसता कम है, हंसता ही नहीं, मुस्कुराएगा ही नहीं, उसकी हंसी चली गई। दूसरे नंबर पर उसका भोजन चले गया। पहले शादी में जाते थे, हम आपसे पूछ रहे हैं, जब धन नहीं था पहले शादी में जाते थे, कोई पद नहीं था पहले शादी में जाते थे, ईमानदारी से बोलना, प्लेट उठाई खा पी के नची। आज के जमाने में शादी में जाते हैं पूरी पोत पोता के और दो चार बस लोगों से मिलके, आखिरी में 500 का लिफाफा देके, चाउमीन वाले चाउमीन खा रहे, पानी पूरी वाले पानी पूरी खा रहे, चम्मक लड्डू वाला चम्मक लड्डू खा रहा, गुड़िया के बाल वाले गुड़िया के बाल खा रहा है, कोई कुछ खा रहा कोई कुछ खा रहा, और तुम एक 500 का लिफाफा दिया है, पेट्रोल का पेट्रोल जलाया है, ऊपर से एक रोटी नहीं खा के आए, और सामने वाले को लगा बताओ कि अकड़ आ गई। पहले की जिंदगी अलमस्त होकर जी रहे थे, वैसे अलमस्ती अपनी खत्म मत करो, वैसा सुख अपना खत्म मत करो, हंसना है खिलखिलाकर हंसो, बोलना है खिलखिलाकर बोलो, और भोजन करना है खिलखिलाकर आराम से आनंद के साथ खाओ। एक दिन ऐसा होता है कि समय की अवस्था ऐसी आती है कि तुम्हारा मन करेगा खाने का तो भी नहीं खा पाओगे, क्योंकि ये सोफा सेट निकल जाएगा, पूरा सोफा सेट निकल के बाहर। किसी किसी का सोफा सेट तो फ्रिज में रखा रहता कटोरी में। गोविंद जी, आपकी जो बेटियां हैं ना और बेटे बेटे बेटियां बड़े अलमस्त हैं, बड़े अलमस्त, इनके पास बैठ जाओ तो अच्छा अच्छा डिप्रेशन वाला भी डिप्रेशन की जगह डिप्रेशन में आ जाता है। ये बात ही ऐसी करते हो। अब वो कल की बात, अब आपका वो बेटा देर है, वो अभी लखराम भैया आने वाले हैं, लखराम भैया आने वाले हैं, दो चार मिनट बात करेगा फिर लखराम भैया आने वाले हैं, लखराम भैया आने वाले हैं। अब हम भी झूले में झूल झूल के, हमने भी तारा बाबा से कहा लखराम भैया को भेज दो तो हम अंदर जाए सोने। लखराम भैया अलमस्त होकर अलमस्त हसो, दिल से हसो, मुस्कुराहट केवल एक मनुष्य को मिली है, कभी कुत्ते को हंसते हुए नहीं देखोगे, खटमल को भी हंसते हुए नहीं देखोगे, झिंगूर कभी मुस्कुराएगा नहीं, इल्ली कभी नहीं हंसेगी, हंसता केवल जम के बोलो जरा मनुष्य है। ये मुस्कुराहट, ये स्माइल, ये प्रसन्नता केवल मेरे भगवान ने मनुष्य को गॉड गिफ्ट के रूप में प्रदान करी है कि मुस्कुरा प्रसन्न हो। और यह प्रसन्नता सबसे पहले किसने दी? भगवान शंकर ने। भगवान नारायण लक्ष्मी जी से चरण दबाते हैं पर भगवान नारायण के चेहरे पर कभी प्रसन्नता नहीं रहती। ब्रह्मा जी ब्रह्माणी के पास बैठते हैं पर ब्रह्मा जी के चेहरे पर कभी प्रसन्नता नहीं रहती। इंद्र इंद्राणी के चेहरे पर कभी प्रसन्नता नहीं रहती। यहाँ तक वरुण वरुण जितने भी 33 कोटि देवता हैं के चेहरे पर कभी प्रसन्नता नहीं रहती। पर कभी तुम भगवान शंकर के मंदिर में जाओ, शिव जी की कोई फोटो देखो, शंकर के शिवलिंग को देखो, शंकर की एक मुद्रा को देखना, वो तप में भी बैठा है तो मुस्कुराता हुआ दिखेगा, स्माइल देता हुआ दिखेगा, कि कितने भी डिप्रेशन में रहो पर अपने चेहरे की हंसी मत जाने।
वरना सबसे ज्यादा टेंशन में तो शंकर भगवान को रहना चाहिए। भगवान विष्णु के पास में तो अमृत गया था, पी गए। भगवान इंद्र के पास में अमृत गया था, पी गए। ब्रह्मा जी के पास में अमृत गया था, पी गए। सबसे बेकार विष कालकूट विष महादेव के पास में गया था, जिसके कंठ में विष भरा हो, गले में सांप पड़ा हो, धतूरे पर बैठा हो, ऊपर से ठंडी गंगा बह रही हो, तन पे कोई कपड़ा भी नहीं हो और हवा खूबते चल रही हो। जरा विचार करिएगा, इतना इतना तकलीफ की चीजें जिसके पास में हो वो मुस्कुरा सकता है? कल वो जीजी बोल रही थी, गोविंद जी की भतीजी, गोपाल जी की बेटी, वो बोल रही थी, सांप दिखेगा क्या गुरु जी? कल कह रही थी, तो हम कहने तो वाले थे वो दिख गया तो तू नहीं दिखेगी पक्का। अगर मान लो वो दिख गया तो तू नहीं दिखने वाला। अब हम ये बोल देते तो वो कहती बताओ गुरु जी ने ऐसे बोल दिया। गोपाल जी, हम किसी कथा में अपने कक्ष के बाहर इतनी देर बैठ के बात नहीं कर रहे। आज तक इतनी कथाएं बची है और ये सब जानते हैं कि गुरुजी इतनी देर कभी नहीं बैठते, ना किसी से बात करते ना मिलते। फिर ये बच्चे लोगों का ऐसा प्रेम है कि ये इनके जो गणेश जी हैं, कार्तिकेय जी हैं, इनके जो बच्चे हैं उनको तीन बार तो झांकने पहुंचा देते थे, तो आगे के यहाँ बच्चों का प्रेम है, आते नहीं थे उन छोटे छोटे बाल गोपालों के कारण बस हमें आने। अब कल वो धीरे ने कहा कि गुरुजी पंडालों में लोग इतना अलमस्त होकर भजन गा रहे हैं, इतनी मस्ती में नाच रहे हैं, भजन गा रहे हैं। हमने कहा जरा कहाँ से देखेंगे, हमको भी देखना चल। तो धीरे कहे अपन अंदर अंदर चलेंगे, खिड़की में से झांक किया जाएंगे। पर माता इतनी उस्ताद थी वो खिड़की में ही झांक रही थी। जैसे इनको किसी ने सारा बाबा जी ने इनके कानों में आके कह दिया, मिश्रा जी आ गया, पता नहीं कहां से सूचना मिल जाती। चलो अब शिव तत्व है महाराज, जिसके पास में सांप पड़ा हुआ है, तुम्हारे पास में अगर सांप आ जाए तो तुम दो मिनट चैन से नहीं बैठ सकते। जिसके गले में सांप है, कंठ पर विष भरा है, चंद्रमा विराजमान है, गंगा जी बह रही है, धतूरा पास में पड़ा हुआ है, जिसके कंठ में विष भरा, वो कभी मुस्कुराता हुआ नहीं दिखेगा। पर शिव महापुराण की कथा एक ऐसी है कि आदमी के जीवन में कितना भी दुख आ जाए, कितनी भी तकलीफ आ जाए, कितनी बड़ी भी बीमारी आ जाए, अगर वो शंकर को एक लोटा जल चढ़ा रहा है तो एक ना एक दिन मुस्कुराता हुआ जरूर दिखेगा। कितना भी तू एक पत्र है, मैं लिच्छमा धर्म पत्नी अनिल कुमार, गांव लांगड़ी, जिला हिसार। लांगड़ी है पक्का? सही बोला, ठीक है। गांव लांगड़ी, जिला हिसार, हरियाणा की निवासी हूँ। कहीं बैठी हूँ कहा दिला सकती हूँ, अगर कहीं बैठी हूँ। मैं लिच्छमा धर्म पत्नी अनिल कुमार, कहीं बैठी हूं तो हाथ हिला सकती हूं। बच्ची आई है क्या साथ में? बच्ची आई है? हाँ लिया बेटा, इसको लिया। मैं लिच्छमा धर्म पत्नी अनिल कुमार, गांव लांगड़ी, जिला हिसार, हरियाणा के निवासी हूं। गुरुदेव, ये मेरा मोबाइल नंबर है। मेरी बेटी कृति, जिसकी उम्र 3 साल है, कितने वर्ष की है? 3 वर्ष की इसकी उम्र है। मेरी पुत्री को बुखार आ गया था, बुखार आया तो हमने हिसार के डॉक्टरों को दिखाया, उनको बीमारी का स्मरण नहीं आ पाया कि इसकी बुखार उत्तर नहीं रही और बीमारी का स्मरण नहीं। फिर इसके पेट में तकलीफ होने लगी, फिर इसको कुछ कुछ बीमारियां होने लगी, हम घबरा रहा, डॉक्टरों के समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या बीमारी, हम इसको पता नहीं चला था। हम इसको झज्जर हॉस्पिटल एलिमेंट्स झंझर हॉस्पिटल में दिखाया, डॉक्टरों ने इसका जब जांच करी, चेकअप करवाया, तो इस बच्ची को ब्लड कैंसर बता दिया। 3 साल की बच्ची है, ब्लड कैंसर की बीमारी बताई। हमारा मन नहीं माना कि एक बार और दिल्ली जांच कराई तो मालूम पड़ा कि इसको ब्लड कैंसर है। गुरुदेव, हम एम्स झज्जर हॉस्पिटल में इलाज कराते रहे पर इसको आराम नहीं लग रहा। 9 महीने निकल गए, इसको कैंसर में आराम नहीं लग रहा। तब हॉस्पिटल में झाड़ू लगाने वाली ने कह दिया, जी जी आप एक काम करो, सीहोर किसी को भेज दो, वहां से रुद्राक्ष कंकन बनवा।
हमने हमारे रिश्तेदार को सीहोर भेजा, वहां से कुबेरेश्वर धाम से रुद्राक्ष बुलवाया और वहां का कंकर मंगवाया जिसको आप शंकर कहकर। हमने वो रुद्राक्ष को पानी में गलाकर शिव जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा, कंकर की पूजन करना प्रारंभ करी। उस बेटी के दो दो बूंद पानी हम वो रुद्राक्ष का पिलाना प्रारंभ करें, पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ किया। आज मेरे बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मेरी बेटी पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गई। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ और अपने साथ अपनी बेटी को भी लाई हूँ जो 3 साल की है, जिसको डॉक्टर ने ब्लड कैंसर बता दिया था। गुरुदेव शिव चक्र किसी को और बेटी का फोटो भी लगाया है साथ में, वो आई हुई है। इन्होंने एक लाइन बड़ी अच्छी लिखी है, जय बाबा बर्फानी भूखे को अन्न और प्यासे को पानी। जय बाबा और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भगोत में खजाना कुबेर का। मुक्ति बार ओमकार तू भोले, ओमकार तू हरि शरण तेरा शंभु तार तार तू। अपने हृदय से लगा लो लगा लो, गिरा जा रहा हूँ उठा लो उठा। भोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरी जा रही हूँ उठा लो उठा लो। शिव तत्व शंकर को खड़ी मेरी जीजियों, आज 5वें दिन की कथा है, कल 6ठा दिन हो जाएगा, परसों के दिन सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा हो जाएगी और विराम हो जाएगा। पर मेरी दीदियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, तारा बाबा जी ने अगर इस शिव पुराण को यहां पर बुलाया है ना, तो कुछ सोच समझ कर बुलाया है, कुछ विचार कर बुलाया है। तारा बाबा की आज्ञा के बिना तो कोई कुटिया के अंदर पांव भी नहीं रख सकता अगर वो नहीं चाहे। किसी के घर में घुसना और किसी के दिल में घुसना सबसे कठिन काम है, सबसे कठिन। तारा बाबा की आज्ञा ना हो तो कोई इस कुटिया के अंदर पांव नहीं रख सकता। अगर उनकी कृपा हुई है, शिव महापुराण की कथा यदि यहां तक आई है और शंकर भगवान की कृपा से, तारकेश्वर महादेव की कृपा से चल रही है, आप ये अंदाजा लगा कर बैठो कि बाबा ने कुछ अच्छा करने के लिए आप लोगों को ये कथा दे दी है, आपकी झोली भरने के लिए दे दी है और ये मिल गई है, कृपा है। हम नहीं पढ़ पाते इतने पत्र, पर आप लोगों के जो पत्रों का स्मरण रहता है, हम जानते हैं कि बहुत बहुत कितना कितना आप लोग लिख कर भेजते हो। ये तो पत्रों में हम 2-3 पत्र बस मात्र पढ़कर आपके सामने रखें, ज्यादा पढ़ेंगे तो लोग कहेंगे गुरुजी पत्र पत्र पढ़ पढ़। पर विश्वास को जागृत करना, अपने चेहरे की मुस्कुराहट को कभी मत जाने।
शिव जी के पास में सबसे कीमती चीज है उनकी चेहरे की स्माइल, प्रसन्नता। भगवान नारायण को डर रहता है कि वैकुंठ ना हाथ से चला जाए, बोलो सही है कि गलत है। इंद्र भगवान को डर लगता है कि मेरा सिंहासन ना चले जाए। ब्रह्मा जी को डर लगता है कि मेरा ब्रह्मलोक ना चले जाए। गरुण वरुण को डर लगता है कि हमारा लोक ना चले जाए। शंकर भगवान को कोई डर नहीं लगता कि इनका कैलाश कहीं चले जाए। जिसके बाप में दम आके बैठ जा बैठ, अपने कौन फर्क। शंकर जी को टेंशन नहीं है, कैलाश पर वही बैठेगा जिसमें दम होगी। ठंड में बैठो तो चढ़ो तो, जहां ऑक्सीजन भी नहीं मिल पाती वहां बैठो तो, थोड़ी देर बैठ के नीचे उतर के हाफड़ी भरता हुआ कहेगा घर चलो, सिरसा ले चल मुझे वापिस ले चल, वापिस ले चल। इंद्र को भय रहे कि मेरे को मेरा सिंहासन कहीं चला ना जाए। भगवान को डर लगे कि वैकुंठ कहीं चला ना जाए। ब्रह्मलोक को, ब्रह्मा को डर लगे ब्रह्मलोक चले ना जाए। शंकर को टेंशन नहीं है कि कोई कैलाश ले जाए। एक बार किसी ने पूछा, प्रश्न करने वाले प्रश्न करने में पीछे तो हटते नहीं है, बस इनको तो मिलना चाहिए सीवर वाला महाराज, तो ये प्रश्न करने में तो पीछे हटते हैं। कभी भी कोई सा भी प्रश्न लोग कर लेते हैं, जो उनकी मर्जी में पड़ा वो कर लिया। एक बार हम हैदराबाद जा रहे थे कथा करने के लिए, तो एक ट्रेन में बच्चे चढ़ गए कॉलेज के नागपुर से। उन्होंने देखा महाराज बैठा है, उस समय पर तो लोग ज्यादा हमको जानते नहीं थे। चलो थोड़ा टाइम पास करेंगे महाराज जी के पास। अब महाराज तो बेचारा टाइम पास के लिए रह गया। चलो बच्चे चढ़ गए, बेटा बेटियां चढ़ गए, और बच्चों ने एक प्रश्न करा, गुरुजी हमारा एक प्रश्न है, आप उत्तर देंगे। हमने कहा बोलो आप क्या करते हैं। हमने कम कथा करते, आप कथा करते हो। हमने कहा, इतने में दो तीन बेटियां भी बैठी, आप करते हो। हमने कहा नहीं, करने वाले के सींग होते। उन्होंने कहा नहीं गुरु जी आपको बुरा लग गया। हमने कहा बुरा तो कभी मानते ही नहीं, पूरी जिंदगी हो गई बुरा मानने का काम नहीं। हम एक प्रश्न कर ले, आप हमारे क्वेश्चन का उत्तर दो। हमने कहा भगवान ने नाक बनाई, नेत्र बनाए, कान बनाए, हाथ बनाए, पांव बनाए, सब बनाया भगवान ने। सुनाई, ये कान में दो छेद होते हैं, इससे सुनाई देते हैं, तो भगवान को ये अलग से एक्स्ट्रा बनाने की जरूरत क्या थी। हमारे क्वेश्चन का उत्तर दोगे क्या आप गुरुजी। हमने कही तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, तुम्हारे अगर प्रोफेसर से पूछोगे तो वही बता देगा। नहीं आप बताओ ना, हमारे प्रोफेसर तुम क्यों पूछे, आप हमें मिले हो, कथा करते हो, आप बताओ कि जब सुनाई तो इन दो छिद्रों से देता है, फिर ये एक्स्ट्रा क्यों बनाया। हमने कहा उसका नाम चतुर नारायण है, उसको मालूम था जब बुढ़ापा आएगा तो चश्मे का स्टैंड कहां से लाएगा। उसे स्टैंड दिया। बच्चे बोले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हमने कहा हैदराबाद में मिलते हैं, आओ कथा सुनो। प्रश्न करने वाले कोई भी प्रश्न कर देते। एक लड़के ने प्रश्न करा, गुरुजी हमारा प्रश्न है। हमने कहा बोल क्या प्रश्न है। उसने कहा देखो नारायण भगवान को जब भी देखोगे तो उनके पास में लक्ष्मी जी को देखोगे, ब्रह्मा जी को कभी भी देखोगे तो उनके पास में ब्रह्मानी को देखोगे, इंद्र जी को जब भी देखोगे उनके पास में इंद्राणी को देखोगे, भगवान कृष्ण को जब भी देखोगे उनके साथ राधा जी को देखोगे, भगवान राम को जब भी देखोगे उनके साथ सीता जी को देखोगे। आप सबके साथ में उनकी धर्म पत्नी है। शंकर भगवान को देखते हैं तब पार्वती जी बिल्कुल उनके पास में नहीं रहती, शंकर भगवान नीचे हैं, पार्वती जी आराम से पीछे खसक कर हाथ जोड़ के बैठी हैं। इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या। हमने कहा देखो शंकर भगवान अपनी धर्म पत्नी की ओर से एकदम फ्री है, एकदम फ्री। उनको मालूम है लक्ष्मी को लोग रोज घर में बुलाना चाहते हैं, सरस्वती को लोग रोज घर में बुलाना चाहते हैं, केवल दुर्गा भवानी एक ऐसी होती है जिसको 9 दिन बिठा के आखिरी में छोड़ी आते हैं। 9 दिन से ज्यादा कोई झेलता भी नहीं माता, क्यों, क्योंकि उसके नियम बड़े पक्के हैं। फलाहार करना है, जोत जलाना है, जगराता करना है, भवानी को मनाना है 9 दिन। वो इतनी जब खुश हो जाती है ना अपने भक्तों के घर में, 9 दिन जब खुश हो जाती है, हम कहते हैं फिर अभी कह रहे थे कि 24 घंटे भले भजन मत करो, 1 मिनट याद कर लो पूरा 24 घंटा अच्छा हो जाएगा। शिव जी कहते हैं 9 दिन पूरे साल में, 9 दिन जो उसको दिल से भज लेता है उसके पूरे साल भर की व्यवस्था वो अपने आप कर चली जाए।
उसको रोज बुलाने की जरूरत नहीं, केवल नौ दिन भजन कर लो उसका, जगराता कर लो उसका, जोत जला लो उसकी, उसका स्मरण कर लो। वो भवानी, वो दुर्गा, वो चामुंडा, वो कालरात्रि, वो कात्यायनी, वो कुष्मांडा, वो स्कंदा, वो जोता वाली, वो लाटा वाली, वो पहाड़ा वाली, वो वैष्णव रानी कोई साधारण नहीं है, वो दुनिया की गोद भरने वाली है। एक बार में भरती है और भरकर चली जाती है। नौ दिन भजन करने वाले को साल भर का देकर चली जाती है। रोज की जरूरत ही नहीं, रोज की जरूरत नहीं है मेरी माता। शिव को राजी कर लो, पार्वती राजी हैं। भगवान शंकर का भजन कर लो, पार्वती राजी हैं। भगवान शंकर को एक लोटा जल जब हम चढ़ाते हैं तो जल नीचे जाता है पार्वती जी के हस्त कमल पर, पार्वती जी से वो जल बहता बहता सुख सुंदरी पर गणेश जी, कार्तिक है, सबके पास जाता है। एक देवता प्रसन्न नहीं होते। और यहाँ तक शास्त्र कह रहा है कि जो जल बहकर नीचे से लंबी लाइन लगकर जो बाहर जा रहा है, जो जल जितनी दूर तक जा रहा है उतनी दूर तक 33 कोटि देवी देवता भगवान शंकर के चढ़े हुए जल का केवल स्पर्श करने के लिए खड़े रहते। इसलिए शिव जी के जल को लांगा नहीं जाते। 33 कोटि देवता स्पर्श मात्र करने के लिए शंकर भगवान के जल को स्पर्श करने के लिए खड़े रहे। 33 कोटि उसके जल की महत्वता जो जान गया, शंकर जी को चढ़े हुए जल के महत्व को जो पहचान गया, उसका जीवन तो वैसे ही सार्थक। एक पत्र रुचि अग्रवाल साहब जिला सखी, हाँ ऐसा है, श्री शिवाय नमस्ते। मेरा नाम रुचि अग्रवाल, पिता का नाम सुशील अग्रवाल, गांव दीमंडी सिरसा की रहने वाली हूँ। गुरुदेव, मैं भगवान शंकर को चढ़े हुए जल का क्या वर्णन करूं। 4 महीने पहले मेरे मामा जी को जहरीला जानवर काट कर चले गए। जानवर ने ऐसा काटा कि वो मेरे मामा जी की किडनी और लीवर दोनों डैमेज हो गए, दोनों ने काम करना बंद कर दिया। अंतिम घड़ी पर पहुंच गए, ना किडनी काम कर रही है ना उनका लीवर काम कर रहा है। अंतिम घड़ी पर पहुंच गए, डॉक्टर के हिसाब से केवल 1% इनके बचने के चांस थे, बाकी का ये पूरी तरह से मृत्यु की कतार पर पहुंच गए। करते क्या? तब किसी रिश्तेदार ने फोन पर बताया, एक लोटा जल जम के बोलो सारी समस्या का हल। तब किसी रिश्तेदार ने बताया कि एक लोटा जल चढ़ाओ, और वो सियोर वाला महाराज ने रात्रि को 9:15 वाला एक उपाय बताया हुआ। आप लोगों को भी वो उपाय हम कई बार व्यासपीठ से कह चुके हैं। जिंदगी में अगर कोई मौत की कतार पर भी खड़ा हुआ है और एक 9:15 पर जो शंकर भगवान की रात्रि में पूजन होती है 9:15 पर, अगर वो YouTube पे डली हुई है, हम उसको बार बार उसका वर्णन नहीं करते, कभी आप निकालेंगे कि रात्रि की 9:15 वाली पूजन का स्मरण तो उसमें जाएगा। 9:15 की जो पूजन है, अगर कितना भी बीमार व्यक्ति है उसको लास्ट स्टेज पर चल रहा डॉक्टर कह दिया, अगर उसकी 9:15 वाली पूजन का जल उस व्यक्ति को अगर दे दिया जाता है तो उसका चाहे किडनी हो, चाहे लीवर हो, चाहे डायलिसिस हो, चाहे कैंसर जैसा भी रोग हो, उसमें आराम लगना प्रारंभ हो ही जाता है। वो पूजन ही है। रात को 9:15 पर होती है और इसका वर्णन शिव महापुराण के अंदर विद्येश्वर संहिता के अंतर्गत लिखा हुआ, उसको पढ़िएगा, उसमें गीता प्रेस गोरखपुर की पोथी में मिल भी जाएगा। मेरे मामा जी की किडनी खराब हो गई, डायलिसिस पे उनको डाल दिया गया, डायलिसिस करना प्रारंभ हो गया, पर डायलिसिस भी उनको शरीर पर एक्सेप्ट नहीं कर रहा। अब करें तो करें क्या? फिर किसी ने कहा 9:15 वाला एक उपाय डाला, हमने पूरा मोबाइल टटोला, हमको उपाय नहीं मिला। फिर हमने वापस मोबाइल पर आपकी सारी क्लिपें निकाली, उसमें ढूंढना प्रारंभ करा, तब हमें 9:15 वाला उपाय मिला। परिवार के एक व्यक्ति को हमने सीहोर भेजा, वहां से रुद्राक्ष मंगवाया, कंकर शंकर बुलवाया और वहां जाकर प्रणाम कर कंकर शंकर लाकर रुद्राक्ष को जल में गलाकर उनको देना चालू करा। 9:15 आंवले के वृक्ष का पूजन हमने प्रारंभ कर दिया और अशोक सुंदरी को वो जल चलाने वाला जो उपाय था उसको करा। हमने वो जल हमारे मामा जी को देना प्रारंभ करा, उनका शरीर काम नहीं कर रहा था, लीवर किडनी काम नहीं कर रहा था, केवल डॉक्टर ने कह दिया था कि 1% शरीर काम कर रहा है, 3 दिन के अंदर इनका शरीर हम बॉडी आपको दे देंगे। पर 3 दिन हमने शिवजी का चढ़ा हुआ जल देना प्रारंभ करा तो उनकी किडनी, उनका लीवर दोनों काम करना प्रारंभ कर दिया, उनका डायलिसिस बंद हो गया और उनकी किडनी लीवर आज भी अच्छे से काम कर रही है और एकदम वो ठीक है। एक बार हाथ हिला दे बेटा, श्री शिवाय नमस्ते। शिव तत्व की प्राप्ति शंकर का गुणगान किसी को, उनका डायलिसिस बंद हो गया, किडनी लीवर ने काम करना प्रारंभ, शिव तत्व को पहचान, शंकर को जाना, उसके ऊपर चढ़े हुए एक लोटे जल को पहचानना बहुत कठिन है। वो कहते हैं ना, कहां से लाऊं गंगा, कहां से लाऊं यमुना, कहां से लाऊं गंगा,
कहां से लाऊं यमुना, कहां से लाऊं सरयू अपार पड़ी रे, ओ भोले तेरी सेवा हमसे बनी रे, ओ बाबा तेरी सेवा हमसे बनी रे, कहां से लाऊं लड्डू कहां से लाऊं पेड़ा, आप ही बोलो कहां से लाऊं, कहां से लाऊं पेड़ा, कहां से लाऊं बर्फी वो शक्कर चढ़ी रे, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। कहां से हमें नहीं आता, हम सेवा करना नहीं जानते, हम चाकरी करना नहीं जानते, हम पूजन करना नहीं जानते, हम आराधना करना नहीं जानते, हम उसका भजन करना नहीं जानते, भजन करना नहीं जानते, हम उसका स्मरण करना नहीं जानते। कितना विचित्र है, शास्त्र कहता है पुरुष को ओम नमः शिवाय बोलना चाहिए, नारी को नमः शिवाय ओम बोलना चाहिए। कभी भी स्त्री ओम नमः शिवाय का जाप करती है तो ओम से प्रारंभ नहीं करती, याद रखना, कहां से प्रारंभ करेगी, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय से प्रारंभ कर दिया, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, 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 और पुरुष ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। अब कोई कोई भ्रम में पड़ गया, किसी की चित्तवृत्ति में आ गया, हम ओम नमः शिवाय बोलते थे, हमने इतने साल जाप करा उसका फल क्या। इसीलिए शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम सीधा कह दिया, ना पुरुष उलझे ना स्त्री उलझे, जपो ओम नमः शिवाय, षडाक्षर है पंचाक्षर नमः शिवाय जपो, साथ में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, उसका भजन उसका बल बढ़ बढ़। हमें नहीं आती पूजन, हमें नहीं आती आराधना, हम नहीं जानते शंकर भगवान को जल कैसे चढ़ता है, हम नहीं जानते बेलपत्री कैसे चढ़ती है, हम कुछ भी नहीं जानते, हम तो अनभिज्ञ हैं, हमें कुछ नहीं आता। जब आपको कुछ भी नहीं आता तो कोई हाथी को, कोई मोर को, कोई मृग को, कोई हिरण को, कोई शेर को, कोई जानवर को भगवान का पूजन करना आता है क्या, जम के बोलो जरा। परंतु नहीं आता, उसके बाद भी शंकर भगवान का नाम है पशुपति नाथ, पशुपति नाथ इसलिए है क्योंकि पशु कैसे भी भगवान का उसके दरवाजे के सामने से भी निकल जाए तो भी वो कल्याण कर देता है। और आप इतना याद रखना, कोई तुमसे कहे कि ये मंत्र बोलने से पाप लगता है, ये मंत्र बोलने से पुण्य लगता है, कोई तुमसे कह दे शंकर पे चढ़े हुए जल को पीने से ये हो जाता है, कोई कह दे बेलपत्र खाने से ये हो जाता है, तुमसे कह देना आग लगे बस्ती में, हम तुमसे पूछने आए थे कि क्या करने से क्या हो जाता है, मेरी मैं चाहिए करूं, मैं करूं, मैं मुझे कोई मतलब नहीं, मेरा मन होना चाहिए। तारकासुर ने खुद की मृत्यु भी मांगी तो भगवान शंकर के पुत्र द्वारा, उनके बेटे से, कारण जितना आप भगवान देवाधिदेव महादेव को चाहते हो, जितना आप भगवान शंकर से प्रेम करते हो, उतना ही प्रेम उतनी ही चाह तारकासुर भी भगवान शंकर से करता है, उससे ज्यादा, बल्कि अपन जितना चाहते हैं इससे भी दुगना तारकासुर असुर होकर राक्षस होकर भगवान शंकर से स्नेह करता है, इतना प्रेम। एक चाकू डॉक्टर के पास होता है, और एक चाकू कोई रोड पे जा रहा है चाकू लेकर उसके पास आ जाता है, जो रोड पर चाकू लेकर मार रहा है वो भी चाकू से ही मार रहा है, और हॉस्पिटल में डॉक्टर जो शरीर काट रहा है वो भी बोलो जम के बोलो जरा चाकू से काट रहा है, रोड पर जिसने चाकू चलाया उसको पुलिस ले गई, हॉस्पिटल में जिसने चाकू चलाया उसको पुरस्कार मिल गया, बोलो सही है कि गलत, जम के तो बोलो जरा सही है ना, कारण क्या है,
क्या कारण क्या है? रोड पर भी चाकू चलाया जा रहा है, हॉस्पिटल में भी डॉक्टर अगर ऑपरेशन कर रहा है, डॉक्टर अगर मरीज को ऑपरेशन के लिए शरीर फाड़ रहा है तो वो चाकू से कर रहा है। रोड पर भी चाकू है, हॉस्पिटल में भी चाकू है, वहां पर भी मारा गया चाकू, वहां पर भी काटा गया शरीर। बस अंतर इतना है, रोड पर जो चाकू चला वो मारने के लिए था और डॉक्टर ने जो चाकू चलाया वो बचाने के लिए चलाया। अंतर केवल डॉक्टर शरीर पर जब चाकू चलाता है तो मरीज को बचाने के लिए चलाता है, मरीज को बचाने। डॉक्टर जब शरीर पर चाकू चलाता है तो मरीज को बचाने के लिए चलाता है, बचाने उसको, रक्षा के लिए उसको बचाने के लिए। चाकू वही है, चाकू में कोई अंतर नहीं, केवल भाव बदल गया है। एक ने चाकू चलाया था मारने के लिए और दूसरे ने चाकू चलाया है जम के बोलो जरा बचाने के लिए। चाकू वही है, बस अंतर भाव का है। उसी तरह शिवजी के मंदिर में जल चढ़ाने के लिए पहले आप जाते थे तो केवल ये सोचकर जाते थे कि सोमवार है जल चढ़ाना है, शिवरात्रि है जल चढ़ाना है, सावन का महीना है जल चढ़ाना है। पर जब से तुमको मालूम पड़ गया कि एक लोटा जल सारी समस्या का हल है, तब से तुमने जब शंकर जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा तब से शंकर भगवान ने तुम्हारा भी भंडार भरना प्रारंभ कर दिया। चाकू वही है, रोड पर मारा तो खत्म करने के लिए था और हॉस्पिटल में चला तो बचाने के लिए था। चाकू वही है, चाकू में कोई अंतर नहीं, चाकू वही की वही। एक तरीका आपको और हमको मालूम पड़ता है कि शंकर भगवान को अब तारकासुर को लगा, तारकासुर के मन में आ गया, तारकासुर ने विचार करा, तारकासुर की चित्तवृत्ति में आया, तारकासुर के मन में आया, तारकासुर ने ये विचार करा कि मैं मांगू तो भोलेनाथ जी के लिए मांगू, अपने लिए तो मरना तो है, मृत्यु के समय पर भी अगर मैं अपने लिए मांगूंगा तो ठीक, क्या अगर मैं मांगू तो मेरे बाबा देवाधिदेव महादेव के लिए मांगू। और तारकासुर ने ब्रह्मा जी से वर मांगा, मुझे वर दे दो शिव जी का जो पुत्र होगा, शंकर भगवान का जो पुत्र होगा वही मेरे प्राणों को हरे। आप मुझे ये वर दो कि शंकर भगवान का पुत्र मेरे प्राणों को हरे, ये मुझे वर दे दीजिए। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कर दिया। तारकासुर शंकर भगवान से इतना स्नेह करता था कि उनकी शादी कराना चाहता था कि सती मैया चली गई और सती मैया के जाने के बाद शंकर भगवान अकेले हो गए, सती मैया के जाने के बाद भोलेनाथ जी अकेले हो गए, इनका विवाह होना जरूरी है, अगर विवाह हो गया तो मैं मरने से पहले एक अच्छा काम करके चले जाए। जितने यहां बैठे हो अपने भीतर आप एक संकल्प बना कर, हम तो चले जाएंगे, हमारे तो प्राण छूट जाएंगे, हमारे बाद में हमारे बच्चों को, हमारे बाद में हमारी बहुओं को, हमारे बाद में हमारी बेटियों को, हमारे बाद में हमारे परिवार को कौन संभालेगा? तो अपने बच्चों को एक संस्कार देकर जाओ, अपने बच्चों को ज्ञान देकर जाओ कि तुम्हें एक लोटा जल लेकर महादेव के चरणों में जाना है, शिव जी को जल चढ़ाना है। अगर तुम्हारे साथ में कोई नहीं खड़ा होगा तो यह पक्का है तुम्हारे साथ में देवाधिदेव महादेव जरूर खड़ा। अपने बच्चों को यह संस्कार दे, अपने बच्चे को ये ज्ञान दीजिए कि कोई ना खड़ा होगा पर देवाधिदेव महादेव खड़ा होगा, पक्का है तुम्हारे साथ में वो खड़ा होगा। इस पंडाल में एक बच्चा बैठा है, जिस बच्चे को शुगर बहुत हाई थी और उस बच्चे को दिन भर में कम से कम 6 से 7 बार इंसुलिन लेना पड़ता था, इंजेक्शन लेना पड़ता था। सुशीला आनंद आदमपुर हिसार से, मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी है आप ही हैं, बच्चा आया साथ में, कहाँ है? सुशीला आनंद आजा बेटा, आजा आजा आजा। सुशीला आनंद आदमपुर हिसार से हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ये है, मैं शंकर जी का क्या गुणगान करूँ गुरुदेव, मेरे बाबा ने तो मेरी जिंदगी बना दी, संसार में कोई नहीं कर सकता जो मेरे भोलेनाथ जी हुआ। उसके लिए एक बीमारी श्राप बन चुकी थी क्योंकि शुगर की बीमारी में इतना ग्रस्त हो गया था कि डॉक्टर ने उसको केवल 2 रोटी खाने का बोल दिया था, बाकी की कोई चीज उसको नहीं दे सकते थे, इतनी हाई शुगर थी। दिन भर में 6 बार उसको इंसुलिन लेना पड़ता था, 2 रोटी खाता कुछ भी ना खाता तो भी उसको 6 बार इंजेक्शन लेना पड़ता शुगर के लिए। 15 दिन में से 20 दिन उसको आईसीयू में भर्ती देना पड़ता था।
15 दिन वो ठीक रहता, बाकी के दिन 20 दिन वो कम से कम आईसीयू में भर्ती रहता महीने भर में, एक महीने में 20 दिन आईसीयू में भर्ती रहता। उसकी शुगर 550 से कभी नीचे नहीं होती, गुरुदेव बढ़ती ही चली जाती, तो उसको हॉस्पिटल में हमें भर्ती करना पड़ता, 20 दिन लग जाते, 22 दिन लग जाते, पर बच्चा ठीक नहीं हो पाता। इंजेक्शन पर इंजेक्शन लेता, 2 रोटी से उसको 1.5 रोटी पर कर दिया, 1.5 रोटी से उसको 1 रोटी पर कर दिया। गुरुदेव 6 साल तक हमारी जिंदगी नरक जैसी बीती है, पर मेरे भोले बाबा ने ये शिव पुराण की कथा आपको कहीं शंकर की कृपा से भेज दिया और मेरा बेटा आज ठीक हुआ है, ये शिव की कृपा है। मेरा बेटा 6 साल नरक जैसा जीवन जिया है गुरुदेव, 20 दिन उसको आईसीयू में पटक कर रखते थे, इंजेक्शन लगते थे, 1 रोटी खाता था और उसके शरीर में कहीं पर शुगर इतनी ज्यादा थी कि चोट लग जाती थी तो वो कभी जिंदगी में सूखती ही नहीं थी। हम बहुत दुखी हो गए गुरुदेव। तब किसी के कहने पर जब हम फाइल लेकर दूसरे डॉक्टर को दिखाने के लिए गए तो डॉक्टर के दरवाजे पर ही कंप्यूटर बैठा हुआ था। उस कंप्यूटर ने हमसे कहा कि दीदी आप वो सियोर वाला महाराज कथा वास्ता है उसको सुनो, वो बेलपत्री का उपाय बताता है, वो करना, शुगर जरूर उसके कहने पर ठीक हो सकती है। आपका बच्चा शुगर से 6 साल से ग्रसित है, आप उसको सुनो। हमने कथा सुनना प्रारंभ करी, शिवजी पे 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, बेलपत्री ले जाकर मेरे बच्चे को दे देती, बच्चा खा लेता, मेरे साथ मेरे बच्चे को भी मैं शंकर के मंदिर ले जाने लगी। बाबा मेरे बाबा ने क्या कृपा करी, अभी तक बच्चे को हम हॉस्पिटल आईसीयू में भर्ती कराने ले जाते थे, आज मेरे बच्चे को मैं हॉस्पिटल नहीं शंकर के मंदिर ले जाने लगी, शिवजी को जल चढ़वाने लगी। मेरे बाबा ने ऐसी कृपा करी कि बेलपत्र खाता रहा बच्चा, जल पीता रहा बच्चा, तो बेलपत्र खाने से और जल पीने से 550 जो शुगर थी वो 200 पर आ गई, और 200 पर आने के बाद मेरे बच्चे को डॉक्टर ने कह दिया अब इसको इंजेक्शन की भी जरूरत नहीं है, आईसीयू में रखने की भी जरूरत नहीं है, और आज 6 साल के बाद मेरा बेटा पेट भरकर भोजन करता है, मीठा भी खाता है और अच्छे से अपनी जिंदगी जी रहा है। मैं अपने बेटे को लेकर आई हूँ जिसने बाल्यावस्था से ही अपने दुख को झेला है। जो वो देता है साधारण नहीं, उसको पहचानना, उसको जानना कठिन है, उसको पहचानना कठिन है। और मेरी जीजियों मौका मिला है तारा बाबा की कुटिया में शंकर भगवान को पहचानने का। ये वो तारा बाबा हैं जिनका जन्म शिवरात्रि पर हुआ और प्राण भी शिवरात्रि पर चले गए, ज्योति को ज्योति में इन्होंने शिवरात्रि के दिन विलीन कर दिया। शंकर का ही एक तत्व लेकर आए थे, शंकर का ही गुणगान कर अर्धंग जैसे शिव में समाकर चले जाते हैं, ये वो साधारण तारा बाबा नहीं। उनको पहचानना, उनको जानना, भक्ति करना सहज और शंभु दरने पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख कारो दया करी ने दर्शन आपो शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। तारकासुर ने मांगा भगवान शंकर के पुत्र से प्राण छूटना मांगा, शिवजी के बेटे से प्राण जाना थे ये मांगा है। शिवजी के बेटे आए, विश्वास जब बढ़ जाता है प्रबल हो जाता है तब अपने लिए कम दुनिया के लिए ज्यादा सोचा जाता है, दुनिया की प्रबल हो गया विश्वास, कार्तिकेय प्रकट हो गए, शंकर भगवान के तेज कुंज को गंगा जी को दिया गया, गंगा जी की 6 धार से बेटे ने जन्म ले लिया, 6 पुत्रों का जन्म हो गया, षडानंद कार्तिकेय उनका नाम हो गया क्योंकि कृतिकाओं ने उनको पाल पोस कर बड़ा। तारकासुर का संहार करने के लिए जब जाने लगे तो माता पार्वती जी ने उनसे कह दिया तारकासुर के दिल में हृदय में शिव बसा उसको तकलीफ नहीं होना चाहिए,
शंकर भगवान अगर दिल में बसा है तो बाण छोड़ना पर दिल में ना लगे, हृदय में ना लगे, इसका ध्यान रखना। तार का सुर के शरीर में बाण लगना चाहिए पर उसके हृदय में बाण नहीं लगना चाहिए, इसका ध्यान रखना कार्तिकेय तिथि। अब जरा याद रखना, दिल में शिव बसा था इसलिए कार्तिकेय ने तारकासुर के हृदय पर बाण नहीं छोड़ा, शरीर पर छोड़ा पर हृदय पर नहीं छोड़ा। शिवपुराण आज भी कहती है जिसके दिल में भोलेनाथ बसा होता है उसका दिल कहीं अटकता नहीं। जिसके पास शिव होता है उसका बाईपास नहीं होता। शिव पास में है तो बाईपास की जरूरत ही नहीं। शिव पास में हो, शंकर करीब में हो, अड़भंग शिव हमारे नजदीक में हो, शिव की भक्ति अड़भंग हो, अड़भंग कभी तारा बाबा जी की कुटिया में तारा बाबा जी के चित्र का आप ऊपर लगाए चित्र उसका दर्शन करिए, आपको नजर आएगा ना कोई माला ना कोई कंठी ना कुछ केवल एक धोती लपेटे हुए एक गमछा लपेटे हुए हैं, गमछा कंधे पर बाजू में रखा हुआ है और अपनी मुद्रा में बैठे हुए हैं जिस मुद्रा में वो हमेशा बैठते थे उसी मुद्रा। अड़भंग है शिव का जो भक्त होता है वो भी अड़भंगा होता है। अड़भंगा हम तो यहां तक कहेंगे आप लोगों से जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं और जितने सुन रहे हैं सब ध्यान से सुनना, जितने पंडालों में बैठकर कथा सुन रहे हैं वो भी ध्यान से सुनना। जिस दिन आप शंकर के मंदिर में जल चढ़ाने नहीं जा सको उस दिन अपने घर के बाहर से कोई शंकर के मंदिर में जल चढ़ाने जा रहा हो या जल चढ़ा कर आ रहा हो उसके मुख का ही दर्शन कर लेना तुम्हें जल चढ़ाने का मौका मिल जाएगा। हम यहां तक शुक्राण बताएंगे उसका दीदार मात्र हो जाए, उसका दर्शन मात्र हो जाए, उसका चेहरा दिख जाए, उसकी दृष्टि हो जाए। गुरु की मात्र, शिव भक्त की मात्र, शंकर जी की उपासना करने वाले की मात्र दृष्टि ही पड़ जाती है तो कल्याण हो जाता है। केवल दृष्टि पर दृष्टि मिलाना तो कठिन है, दृष्टि मिलाना भी तो कठिन है, गुरु की दृष्टि पढ़ना भी तो कठिन है। शंकर के जो उपासक होते हैं ना, शिव की जो भक्ति करने वाले होते हैं, शंकर के जो उपासक होते हैं, शिव की जो भक्ति करने वाले होते हैं, शंकर का उपासक शिव की भक्ति करने वाला, उसमें दो चीजों का दर्शन आप हमेशा देखेंगे कि वो शिव की भक्ति करने वाला अपने मध्य को अपने मस्तिष्क जहां तिलक वो लगाता है, जहां वो त्रिपुंड लगाता है उस तिलक पर वो किसी के हाथ का स्पर्श नहीं होने देते। लगा नहीं? हमारे यजमान लोग भी आते हैं, आप लोग टीवी पर देखते होंगे कि गुरुजी सबको तिलक लगा देते हैं पर वो जब भी लगवाते हैं तो हाथ पर तिलक लगवा लेते हैं, मस्तिष्क को नहीं छूते। दूसरा, शिव का जो भक्त होता है, शंकर की आराधना करने वाला होता है, वो निगाह नहीं मिलाता, नीचे नेत्र कर बैठा रहेगा, देखता रहेगा, निगाह उठाएगा नहीं, बहुत कम मात्रा में निगाह मिल गई पूरी कथा में, पूरे भजन में, पूरे स्मरण में, गुरु से सत्संग में, कहीं तुम्हारी निगाह मिल गई तो बात दूसरी, नहीं तो देखता ही नहीं, वो अड़बंगा इधर उधर देखता रहेगा, मिलाएगा देखेगा नेत्र उठाएगा ही नहीं। और मेरा विश्वास कहता है तारा बाबा जी में भी ये दो एक आपने तत्व देखे होंगे, उनके वो निगाह नहीं मिलाते, मिलाते नेत्र नीचे रखे, मिलाए गए मिलाने के, मस्तक पर हाथ लगाने देगा अपने करीब में किसी को आने देगा नहीं, अपने करीब में भी नहीं आने देता। जैसे हम कह देते हैं हम नहीं मिलते किसी से भी, हमने गोविंद जी को भी कह दिया, पूछो गोविंद जी से वो बताएंगे गुरु जी सब मिलने के लिए आते हैं, हमने कह दिया हम चार दिन नहीं मिलते, तीन चार दिन हम नहीं मिलते, तीन चार दिन के बाद हम भले थोड़ी देर आपसे मिले परंतु हम नहीं। शिव का भक्त अड़भंग दूरी बनाकर चले, शिव का भक्त अपने तृतीय नेत्र को स्पर्श नहीं करने दे, शिव का भक्त अपने नेत्र मिलाए नहीं, अपने नेत्र नीचे कर भजन करेगा, बात करेगा, चित्र करेगा, स्मरण करेगा पर मिलने नहीं। और जिसको देख ले जिस पर कृपा वो कहते ना एक नजर कृपा कर लो भोले त्रिपुरारी निर्धन की छोली भर दो भोले त्रिपुरारी माना के मैं पतित बहुत हूँ, माना के मैं पतित बहुत हूँ, पतित से पावन कर दो ओ भोले त्रिपुरारी निर्धन की झोली भर दो ओ भोले त्रिपुरारी एक नजर
कृपा की करो ओ भोले त्रिपुरारी शिव को पहचान तत्व छूने नहीं देगा, इसीलिए हमारे यहां शिव महापुराण बार बार कहती है, शंकर की कथा कहती है। शिव महापुराण कहती है शंकर के मंदिर में जाओ, शिव जी को जल चढ़ाओ, चढ़ा हुआ जल का आचमन कर लो, मस्तक को चढ़ा लो, नेत्रों को लगा लो, चित्तवृत्ति में उतार लो। एक महिला बैठी है जिसको डॉक्टर ने सफेद मोतिया बिंद बता दिया था, ऑपरेशन की तारीख निकल गई, बूढ़ी थी, शरीर नहीं काम दे रहा था, डॉक्टर ने कह दिया तुम्हारा ऑपरेशन नहीं हो सकता, लौटा दी। अब करूं क्या, आंख से दिखता नहीं, मोतिया बिंद बता दिया। उसने एक दिन महापुराण की कथा में सुन लिया कि शंकर भगवान पे चढ़े हुए शहद का स्मरण करना चाहिए, जो शहद लगाया जाता है उससे ज्योति बढ़ती है। सफेद मोतिया बिंद पक चुका है, डॉक्टर कह रहा है ऑपरेशन का, पर ऑपरेशन करा नहीं सकती, शरीर ऐसा है, अब करे क्या। पत्र आया उसका, पत्र में उसने वर्णन किया।